Good morning, everyone. My name is Kush Pandey, and you're watching the Daily Current Affairs Show based on the Hindu. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट से. If by any chance अगर आपको वीडियो नहीं देखता है अपलोड सेक्शन में, you can click on the upcoming live stream section. वहाँ पर जाके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं. कभी कभी due to YouTube डाउनलोड पॉसिबल नहीं होता है. अगर आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, इट इज़ अवेलेबल इन द इवनिंग बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज सर्वर इशू ऑन यूट्यूब. इस वजह से कभी कभी डाउनलोड नहीं हो सकता है, बट यू कैन फाइंड द वीडियो इन द अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स. आते हैं हमारे आज के मोटिवेशनल कोट पर. डोंट बी सैटिस्फाइड विद स्टोरीज हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, अनफोल्ड योर ओन मिथ. दूसरों के साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उस पर अपने आप को सेटिस्फाई मत कीजिए. अपने आप की लाइफ को मत मानिए. योर लाइफ इज़ यूनिक. यू आर यूनिक एंड यू आर ओनली वन इन द वर्ल्ड. सो आपकी लाइफ, आपका लेजेंड, आपका जर्नी विल बी डिफरेंट. सो हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन. माय नेम इज़ कुश पांडे. टू दोस पीपल हु डोंट नो, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से. आज क्वेश्चंस के बाद बाल्टी भर के हेडलाइंस हैं. देर आर मोर देन थर्टी हेडलाइंस टुडे. सो आज हम फोकस करके पढ़ेंगे. एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को और अच्छा करना, प्लीज़ कॉपी द लिंक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. पूरा वीडियो देखिएगा. चलिए आते हैं सबसे पहले आपकी एक रिक्वेस्ट पे. कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ गिव अस अ लिस्ट ऑफ द IIT न्यूज़. तो ये आपके सामने लिस्ट है. IITs कौन कौन से आपके न्यूज़ में हैं पिछले दो महीनों में. IIT बॉम्बे, WWH, ई टोकन, क्वारंटाइन ऐप, सेफ ऐप, नेजल जेल और डिजिटल टेलीस्कोप के लिए दोस्तों न्यूज़ में है. WWH का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड है. IIT रोपड़ न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ संपर्को मीटर. बेसिकली एक डिवाइस होगा जो कि चेक करेगा, क्वारंटाइन करेगा डिशेस को, वेजिटेबल्स को और करेंसी नोट्स को. साथ ही साथ इन्होंने एक रोबोट वॉट बॉट को लॉन्च किया है. IISc, आई होप नाउ द वॉइस इज फाइन गाइस. आई होप अब आवाज़ आ रही होगी आपको. इज द वॉइस फाइन नाउ? ओके. सो IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है संपर्को मीटर को, वॉट बॉट को. IISc बेंगलुरु ने दोस्तों लॉन्च किया है गो कोरोना गो को. IIT रुड़की ने लॉन्च किया है प्राण वायु. IIT गांधीनगर दोस्तों प्रोजेक्ट ISAC. IIT हैदराबाद जीवन लाइट एंड IIT दिल्ली लॉन्च किया है प्रकृति डैशबोर्ड ने. इसके अलावा IIT दिल्ली ने एक 45 रुपीज़ का कवच करके एक मास्क लॉन्च किया विच इज़ वेरी सिमिलर टू द N95 मास्क. तो ये IITs हैं जो कि आपके न्यूज़ में बने हुए हैं. आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलो गाइज, आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ थम्स अप बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स क्विज. टुडे वी हैव 13 क्वेश्चंस. 13 नंबर खराब होता है पर हम सबके लिए अच्छा होगा. एंड ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन. ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर. ओजोन परत वायुमंडल में किस परत पे स्थित है? हम सब जानते हैं ओजोन लेयर का जो 1 मिलियन करके एक जो एक एरिया था, द होल दैट हैज़ बीन स्टॉप, दैट हैज़ बीन फिल्ड बिकॉज ऑफ पोलर वॉर्टेक्स या फिर बिकॉज ऑफ द लेस पोल्यूशन. इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ स्ट्राटोस्फियर. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एक रेंज दी गई है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू 10 किलोमीटर्स वी हैव ट्रोपोस्फियर. देन फ्रॉम 10 to 30 वी हैव द स्ट्राटोस्फियर. देन 30 to 50 मेसोस्फियर. देन वी हैव थर्मोस्फियर एंड देन गाइस वी हैव द एग्जोस्फियर. ये एक रेंज आपको मैंने यहाँ पर बता दी है. इस रेंज में आपका ओजोन लेयर जो है वो आपका प्रोवाइड होता है. ओजोन लेयर आप सब जानते हैं इट इज़ अ लेयर दैट सिक्योर्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट्स. RBI हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड फैसिलिटी. वॉट इज़ द टोटल अलॉटमेंट? RBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए खास तौर पर एक विशेष तरलता सुविधा उत्पन्न की है. सवाल है इसका कुल आवंटन कितना है? वॉट इज़ द टोटल अलॉटमेंट गाइस? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ 50,000 करोड़. 50,000 करोड़ रुपये इसके लिए लगाए गए हैं. इनमें ऑप्शन ए को भी याद करेंगे बिकॉज 59,000 करोड़ वॉज द अमाउंट गिवन टू येस बैंक. इट इज़ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दैट येस बैंक हैज़. इफ येस बैंक वॉन्ट्स, इससे पैसा वो निकाल सकती है. इफ यू टॉक अबाउट 25,000 करोड़, इट वॉज द फर्स्ट TLTRO दैट वॉज लॉन्च्ड बाई द RBI. मेरे को ज़रा फटाफट बता दो TLTRO क्या होता है. येस इट इज़ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, रेगुलर पीपल को आता होगा. एंड 1.2 लाख करोड़ वॉज अर्लियर द WAM लिमिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. और अब जो नई लिमिट है जिसको 30% से एक्सीड करके 60% कर दिया गया है, दैट इज़ 2 लाख करोड़. सबको इसके आंसर्स आ जाते होंगे.
चल, WMA का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अगर आपने मेरा सेशन 2 हफ्ते भी फॉलो किया होगा, आपको ये सारे आंसर्स आते होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पर सिप्री आपका स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सोलना। सोलना जगह है आपकी स्वीडन में जहाँ पर ये स्थित है। जो लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सिप्री, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 3 स्पेंडर्स ऑफ ऑन मिलिट्री। सिमिलरली इम्पोर्ट्स में इंडिया सेकेंड पे है, सऊदी अरेबिया 1 पे है, USA आपका एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स में नंबर 1 पे बना हुआ है। आइए ज़रा हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, बिकॉज बाकी ऑप्शन भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जिनीवा में वी हैव हेडक्वार्टर्स ऑफ UNCTAD, WHO, ILO, WTO, WMO, WIPO, Red Cross। पेरिस में UNESCO एंड OECD एज वेल एज FATF। लंदन में वी हैव एमनेस्टी इंटरनेशनल, IMO, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और बेसल में आपका BIS है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस, यूनेस्को का फुल पता ही होगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेटिव डेवलपमेंट। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और BIS का फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। आई अगेन रिपीट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ओके, माई क्वेश्चन इज गाइज, वाई इज WIPO इन न्यूज़? आखिरकार WIPO आपका न्यूज़ में क्यों है? बहुत ही सिंपल आंसर है, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली, 26 अप्रैल को आपका ये ऑब्जर्व हुआ था, एंड उस वजह से आपका जो WIPO है वो न्यूज़ में है। एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज, बिल्कुल सही जवाब है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट? निम्न में से कौन सा संगठन है जिसने ईंधन बस, हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार परियोजना के तहत 10 बसेस एंड 10 कार्स को बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज NTPC। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज, रिसेंटली NTPC हैज़ एक्वायर्ड विच टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़? कौन से वो दो कंपनियाँ हैं जिनको NTPC ने एक्वायर किया है? एब्सोल्यूटली करेक्ट, सबके सही आंसर आ रहे हैं। पहला है आपका NEEPCO, नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉरपोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन, एंड सेकेंड है आपका थर्मल हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और THDC। कितना अमाउंट का डील है ज़रा फटाफट बता दीजिए, 11,500 करोड़, 11,500 करोड़ का आपका वो डील है। बिल्कुल सही जवाब है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं CIL के बारे में। CIL का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में आपका बना, एंड मिस्टर प्रमोद अग्रवाल इज़ द हेड। NTPC अगेन 1975, गुरदीप सिंह इज हेड। एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। पावर ग्रिड 1989 में बना, मिस्टर कंडीकुप्पा श्रीकांत। भेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 1964 में बना, नलिन सिंघल इज द हेड। बेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1954 में बना, एंड MV गौतमा इज द हेड। इसको भी आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट समर्थ, लेह सिटी एंड दिल्ली में लॉन्च हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में भी इसको हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द कर्मी बॉट इज़ अ रोबोट विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से किस राज्य ने हाल ही में कर्मी बॉट को दोस्तों लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ केरला। केरला में विश्व शांति फाउंडेशन लेड बाय द ग्रेट एक्टर मोहनलाल, उन्होंने इसको डेवलप किया है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं रोबोट्स के बारे में, बिकॉज कई सारे रोबोट सवाल एग्जाम में आते हैं। क्या हम डिस्कस करें अबाउट डिफरेंट रोबोट्स यूज बाय डिफरेंट बॉडीज? फटाफट आंसर कीजिएगा जल्दी से एवरीवन। ओके, प्लीज़ टेल मी Which robot apart from Kirby robot has been used in Kunnur in Kerala region? इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा Nightingale. Yes, absolutely correct. It is Nightingale 19. Absolutely correct. A second question है, What is the name of the robot used by AIIMS Delhi? AIIMS Delhi जो है उसने कौन से robot को use किया है, उस company का नाम बताइए। Third सवाल है, NASA ने कुछ similar करके एक launch किया है, उस सिमिलर रोटोबॉट का नाम जो है दैट इज़ वाइटल। इस नाम को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मेरी आवाज़ कंट्रीब्यूशन अच्छी आ रही है, आप प्लीज़ अपना साउंड बढ़ा दीजिए। फ्रॉम माय देर इज़ नो इश्यूज, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ मिलैग्रो डेमो 2 एंड डेमो 3, ये यहाँ पर लॉन्च हुआ, दैट इज़ मिलैग्रो
डेमो टू एंड डेमो थ्री. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. समझ में आ गया आप सबको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर, 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 वी अंडरस्टूड. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके अलावा आप याद कर सकते हैं व्योम मित्र के बारे में. व्योम मित्र वो पहला ह्यूमनॉइड है विच विल गो इन टू द आउटर स्पेस, विच विल बी द फर्स्ट रोबोट स्पेस मिशन ऑफ इंडिया इन द आउटर स्पेस. वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हाँ, वाइटल का फुल फॉर्म है वाइटल प्रेशर बेल्ट वेंटिलेटर. एक तरह से वो वेंटिलेटर कैटेगरी में आपका आता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. चल फटाफट आगे बढ़ते हैं. विलोकना सर्च इंजन फॉर कोविड 19 रिसर्च हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. जो कोविड 19 अनुसंधान के लिए विलोकना खोज इंजन है वो इनमें से किस संगठन ने शुरू किया है. इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ई, दैट इज ट्रिपल आई टी एम के. बाकी ऑप्शंस को आज हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है. फटाफट आगे बढ़ते हैं. The Industrial Training Institute of which of the following states has developed a low-cost aerosol box face shield? इनमें से किस राज्य ने औद्योगिक परीक्षा संस्थान में कम लागत वाला एक aerosol box या एक face shield विकसित किया है? What is the name of that particular organization? What is the name of that state, guys? इसका आंसर है उड़ीसा. ITI बेरमपुर, दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेरमपुर में उन्होंने डेवलप किया है एरोसॉल एट रुपीज़ 3000 एंड फेस शील्ड एट रुपीज़ 11 एंड नाउ इट विल बी सेपरेटेड इन वेरियस अदर स्टेट्स. अगर हम बाकी बात करें, गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात पुलिस इज़ द फर्स्ट पुलिस टू बी गिवन टेजर गन्स. गुजरात इज़ अ नंबर वन स्टेट इन टर्म्स ऑफ दी सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन. गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका अहमदाबाद है वेयर रिसेंटली द नमस्ते ट्रंप इवेंट टुक प्लेस. सिमिलरली अगर हम बात करें गुजरात की दोस्तों, तो गुजरात हैज़ टाइड अप विद SBI फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द MSME सेक्टर. ये कई सारे रीजन्स हैं इसके न्यूज़ में होने के. सिमिलरली द इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज मैरिटाइम म्यूजियम विच विल बी सेटअप इन लोथाल गुजरात, उस वजह से भी आपका गुजरात जो है वो न्यूज़ में है. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. सिमिलरली गांधीनगर में, इसको लिख लीजिएगा, इंडियन मेडिकल एंड थर्माकोपिया कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में दो हुआ था, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव एंड इंडियन मेडिकल एंड थर्माकोपिया कॉन्फ्रेंस, दोनों ही आपका गुजरात में आपका हो चुका है. अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, मेरा प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, इस प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर वन स्टेट है इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी को, नंबर वन स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पूल टेस्टिंग ऑफ प्लाज्मा थेरेपी के जरिए. नंबर वन स्टेट है जहाँ पर जियो टैगिंग हुई है ऑफ कम्युनिटी किचन्स. सिमिलरली रिसेंटली येस्टरडे अ डे बिफोर KGMU बेसिकली उन्होंने इनॉग्रेट किया द फर्स्ट प्लाज्मा थेरेपी इम्प्लीमेंटेशन, उस वजह से न्यूज़ में है. टीम 11 कैंपेन लॉन्च हुआ है विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ 11 मेंबर्स फॉर COVID-19. थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ड हुआ है फॉर सेटिंग अप वर्चुअल कोर्ट्स इन द स्टेट. असम की बात करें, असम दो रीजन्स हैं. पहला असम का रीज़न है ₹2000 प्रोवाइड किए गए हैं फॉर पीपल स्ट्रैंडेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ असम. सेकेंड, दे हैव ऑल्सो उत्तरण स्कीम जिसके तहत दे विल कंस्ट्रक्ट 33 स्टेडियम्स. इसके अलावा उन्होंने धनवंतरी स्कीम को भी लॉन्च किया है जिसके तहत वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे टू एरियाज जहां मेडिसिन आपकी प्रोवाइड नहीं होती है. मणिपुर की बात करें, सीमा स्कीम की वजह से न्यूज़ में है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपका ऑल्सो न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द फूड बैंक स्कीम, उस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में है. उड़ीसा की बात करें, बहुत सारे रीज़न है उड़ीसा के, क्या बताऊँ, आपके बच्चे की जान ले लोगे. फॉर एग्जाम्पल, पेटा अवार्ड टू नवीन पटनायक जी, डेविल ऑफ अ डेमोक्रेट बुक ऑन हिज फादर बीजू पटनायक जी, मो जीवन स्कीम अगेंस्ट COVID-19, मो प्रतिभा स्कीम एंड ऐप एंड विच इज़ कॉल्ड एज माई टैलेंट कॉम्पिटिशन इन टाई अप विद यूनिसेफ. ये रीज़न है आपका न्यूज़ में. तो बहुत सारे रीज़न्स हैं आपके न्यूज़ में होने के. चल आगे बढ़ते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ कैप्ड द प्राइस ऑफ टेस्ट किट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस. जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उन्होंने परीक्षण किटों की कीमत में किस पर लगाई है, ₹200, ₹400, ₹600, ₹800 या फिर 1000? इसका आंसर है आपका 400. कोई मेरे को बताएगा अर्लियर कितना अमाउंट था, व्हाट वाज द अमाउंट दैट वाज अर्लियर? एब्सोल्युटली करेक्ट, द अर्लियर अमाउंट गाइस वाज 600 और अब आपका ये ₹400 पे दोस्तों कर दिया गया है. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. आगे बढ़ते हैं. इंडियन रेलवेज हैज़ टाइड अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू बूस्ट पार्टनरशिप फॉर सप्लाईज. इनमें से भारतीय रेलवे ने आपूर्ति के लिए किसके साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया है ताकि सप्लाई कर सके. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अमेजॉन. अगर हम अमेजॉन की यहाँ पर दोस्तों बात करें, अमेजॉन हैज़ टाइड अप विद गूगल. अमेजॉन एलेक्सा प्लस गूगल असिस्टेंट, दीज आर द टू सर्विसेज विच विल बी यूज बाई ICICI बैंक फॉर वॉइस बैंकिंग सर्विसेज. ऑलराइट,
Second, Flipkart has tied up with ICICI Lombard plus GoDigit for providing insurance. It has also tied up with Egan Life Insurance, with Egan Insurance. Microsoft has tied up with US CDC, that is US Center for Disease Control, and they have started a chatbot, a AI chatbot called as Clara. Iske alawa, Microsoft has also tied up with UNICEF and UNESCO, and they have started the online learning platform called as Learning Platform. Isko bhi इन्होंने हाल ही में आपका स्टार्ट किया है. मास्टर कार्ड की बात करें, दो रीजन्स हैं. सबसे पहले रीजन होगा आपका माइकल मेबैक. ही इज़ द करंट हेड ऑफ ही विल बी द न्यू हेड ऑफ मास्टर कार्ड. सिमिलरली दे हैव टाइड अप विथ जोमैटो एंड RBL फॉर अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. सिमिलरली मास्टर कार्ड इज ऑल्सो टाइड अप विथ पेटीएम बैंक फॉर पेटीएम डेबिट कार्ड. तो ये ऑप्शन हैं. यहाँ तक समझ में आ गए? एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके एब्सोल्युटली करेक्ट पी वी सिंधु, और मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके MS धोनी. समझ में आ रहा है? कतरा कतरा क्लियर हो रहा है? बढ़िया लग रहा है? ऐसे कराता रहूँ? प्लीज़ गिव मी अ लव साइन जल्दी से एवरीवन. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड वेटनरी डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. इनमें से कौन सी तारीख को हम ऑब्जर्व करते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 25th of April. 25 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं विश्व चिकित्सा दिवस. मेरा सवाल दोस्तों आपसे है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड बुक डे. वर्ल्ड बुक डे आपका ऑब्जर्व होता है 23 अप्रैल को. सवाल एक और मेरा आपसे बनेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अर्थ डे. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 22nd of April. और वर्ल्ड पंचायती राज दिवस हम 24 को मनाते हैं. सिमिलरली इंटरनेशनल डे फॉर क्रिएटिविटी इनोवेशन, आई अगेन रिपीट, इंटरनेशनल डे फॉर क्रिएटिव इनोवेशन को हम 21st April मनाते हैं. और आज के दिन क्या होता है दोस्तों? आज के दिन होता है मेरा फेवरेट हॉबी, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डांस. डू यू थिंक यू कैन डांस? येस यू कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है. That is today. बिल्कुल सही जवाब है. Absolutely correct, guys. चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं. बसावा जयंती is observed on which of the following? ये बहुत ही बड़े philosopher थे south के, and इनकी जयंती observe होती है दोस्तों 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को दोस्तों. Absolutely correct. My other question to everyone is 18th अप्रैल को क्या होता है? And please tell me the tagline of it. 18th अप्रैल को हमारा होता है the World Heritage Day, and इसका तीन थीम है आपका, जो कि शेयर से स्टार्ट होता है, उसको पढ़ लीजिएगा. येस एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही जवाब है. और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि इंडिया में कितने साइट्स हैं हेरिटेज के? 38 साइट्स हैं. लेटेस्ट साइट्स कौन का है आपका? येस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ जयपुर. बिल्कुल सही, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, येस बिल्कुल सही, तीन नाम है इसके. चलो एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज़ अबॉलिश्ड फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट फॉर क्राइम. इनमें से कौन से देश ने दोस्तों जो फ्लॉगिंग है उसे एज अ पनिशमेंट ऑफ क्राइम के तौर पर बंद कर दिया? फ्लॉगिंग मतलब होती है डेथ सेंटेंस देना, मतलब किसी को सजाए मौत देना. तो किसने दोस्तों इसको कम्प्लीटली आपका बंद कर दिया है? बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है. इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सऊदी अरेबिया ने ये काम दोस्तों कर लिया. वेल डन प्रशांत, वेल डन रमायनी, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं. एवरी वन इज आंसरिंग द क्वेश्चन टू द टी, बिल्कुल सही जवाब है आप सबका, बिल्कुल सही. ठीक है, हाँ, द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सऊदी अरेबिया. इफ आई कैन सी यू ऑन द कमेंट सेक्शन, वन सेकेंड. यस, हाँ, वेल डन दीक्षा, वेल डन प्रिया, वेल डन अमुत, वेल डन बप्पी, वेल डन अविनाश. यस, सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया है. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसने कि कैनबीज को मेडिकल ट्रीटमेंट के अलाउ किया है? उसका आंसर है दोस्तों आपका लेबनान. उसका आंसर क्या है? दैट इज़ लेबनान. एंड लेबनान का कैपिटल है बेरूट, द करेंसी इज पाउंड. इनमें से कौन सा देश है जहाँ के जो चीफ एड हैं अब्बा कियारी, उनका देहांत हुआ है? उसका आंसर है आपका नाइजीरिया. एफ एम करेक्ट, द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा, एंड करेंसी आपको पता होगी. इनमें से कौन सा देश है विच हैज़ परफॉर्म्ड द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द इलेक्शन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं COVID-19 के दौरान? एंड द आंसर इज, इट इज़ साउथ कोरिया. एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, हाँ, नायरा, बिल्कुल सही, नायरा आपका नाइजीरिया का करेंसी है. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. ओके, एंड आखिरी पाकिस्तान. पाकिस्तान हैज़ होस्टेड दी सार्क कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था. इनफैक्ट पाकिस्तान इसलिए भी न्यूज़ में बिकॉज उमर अकमल, जो वहाँ के एक ऑफिशियल इंग्लिश टीचर हैं, वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं वो बच्चों को, क्रिकेटर्स को, और इवन हर्षा भोगले को भी ही बेसिकली टीचर्स इंग्लिश, वो बैन किए गए हैं फॉर 3 ईयर्स बाय द PCB फॉर ऑफकोर्स मैच फिक्सिंग के केसेस को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following countries rebels have declared a self-rule by the breaking the self-rule sign in November?
निम्न में से वो कौन सा देश है जिसने जिसके विद्रोहियों ने नवंबर में हस्ताक्षर जो एक स्वनियम शामिल हुआ था उसको कैंसिल कर दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज यमन। यमन ने ये दोस्तों आपका कैंसिल किया है। अगर आप बाकी ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें, रवांडा का कैपिटल है आपका किगाली एंड द करेंसी इज फ्रैंक। सिमिलरली नाइजीरिया का ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आपको बताना जल्दी से फटाफट व्हाट इज़ बुरुंडी का कैपिटल करेंसी एंड व्हाट इज़ युगांडा का, ये भी मैंने कई बार आपके सामने डिस्कस किया है। येमेन का तो सना आए, दैट इज़ यू नो, एंड इट्स अ कंट्री दैट इज़ फिल्ड इन टर्मोइल। ऑलराइट, तो आपको बताना है बुरुंडी और युगांडा का कैपिटल करेंसी, बस बाकी मैं नहीं जानता, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, पहले बुरुंडी का एंड फिर युगांडा का। हाँ, युगांडा का कंपाला है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बुरुंडी का आपका क्या है, इट्स गिटेगी, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, वेल डन वेल डन। चल आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे आज के। अच्छा, आज मैंने चेंज क्या किया मैंने, फर्स्ट आई विल डिस्कस द हिंदू, सेकंड आई विल डिस्कस द अदर करंट अफेयर। उसका रीज़न ये है बिकॉज मेनी ऑफ यू थॉट दैट आई एम नॉट फोकसिंग इनफ ऑन द हिंदू। कई लोग ने ऐसा कहा मेरे से, मेरे को मेल भी किया, मेरा बहुत दिल टूटा, मुझे रोना आया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई हैव कम बैक एंड वी आर नाउ डिस्कसिंग द हिंदू करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड देन वील डिस्कस द अदर एनालिसिस। सो एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है, प्लीज कॉपी द लिंक एंड प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आते हैं हमारे आज के पहले हेडलाइन पर। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी एक क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है, उसने एक तरह से यू टर्न किया है अपनी ही बात पर। आप में से कई लोग जानते होंगे जो रेगुलर हैं कि द डायरेक्टर जनरल फॉर मेडिसिन जो DGCI है आपका, उन्होंने अप्रूव किया था प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग बाय ICMR, जिसके बाद KGMC और अदर स्टेट्स ने उसको अलाउ किया था। पर अब अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्लाज्मा थेरेपी इज़ वन ऑफ द टेस्टिंग, पर यह कोई फूल प्रूफ तरीका आपका नहीं है। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अरे माधुरी जी, सोमा रॉय बनवर जी CGA हैं, कुछ भी मत बोलिए। येस, द DGCI इज मिस्टर VG सोमोनी। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो प्लाज्मा थेरेपी है वो एक अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है COVID-19 का। इससे पहले कुछ दिन पहले इन हेल्थ मिनिस्ट्री ने और इंडियन रेड क्रॉस ने कहा था कि वो कसो साथ में आएंगे एंड दे विल बेसिकली देन कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम रिकवर्ड पेशेंट्स। तो एक तरह से प्लानिंग पूरी थी ऑफ एक्चुअली ट्राइंग प्लाज्मा थेरेपी नेशन वाइड, पर अब मिनिस्ट्री ने इस पर क्या लिया है, इस पर मिनिस्ट्री ने दोस्तों आपका यू टर्न ले लिया है। समझ में आ गया आपको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर। हाँ, आई एग्री अदनिल दैट येस, पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, बट बींग वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये एक फूल प्रूफ तरीका नहीं है। एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, प्लीज़ टेल मी हु इज़ द करेंट DGCI, भारत के वर्तमान DGCI कौन है, नंबर वन, एंड नंबर टू, हु इज़ द हेड ऑफ द ICMR। एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज, डॉक्टर VG सुमोनी इज़ द हेड ऑफ DGCI एंड ICMR के हेड हैं मिस्टर बलराम भार्गव। एब्सोल्यूटली करेक्ट। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अच्छी खबर आई है दोस्तों फ्रॉम ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ $1.5 billion टू इंडिया। ADB का एक फैसिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ADB केयर्स फैसिलिटी। उस फैसिलिटी के जरिए ADB ने इंडिया को दिए हैं $1.5 billion। ये खबर ली गई है फ्रॉम page 1 ऑफ द हिंदू। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लोन फैसिलिटी का नाम है केयर्स, जिसका फुल फॉर्म मैं चाहूँगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका फुल फॉर्म है COVID-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अंडर द केयर्स प्रोग्राम ऑफ ADB 1.5 बिलियन लोन दिया गया है, जिससे रोकथाम हो सके, स्टॉप कर सकें हम इस पर्टिकुलर कंटेनमेंट को अच्छा कर सकें, और साथ ही साथ जो एक ट्रीटमेंट का टेस्टिंग है उसको भी हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ा सकें। तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हम ADB की बात करें, 1966 में आपका बना, मनीला में हेडक्वार्टर्स हैं, 66 मेंबर्स हैं, और मिस्टर मसासुगु असाकावा इसके करंट हेड बनाए गए हैं। समझ में आ गया। अगर हम ADB की यहाँ पर बात करें, ADB गाइस इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने कहा है द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया विल बी एट 4%। ADB हैज़ प्रोवाइडेड $100 million टू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, वो भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। द हरिद्वार कुंभ मेला विल हैपन 2021 में, 2021 में हरिद्वार जो उत्तराखंड का एक शहर है, वहाँ पर द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द हरिद्वार कुंभ मेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न है सबसे इम्पोर्टेंट, उसका नाम है NMCG। मैं पूछूंगा आप सबसे, प्लीज़ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ NMCG का। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, 68 मेंबर्स हैं,
बिल्कुल सही, आई एम रियली सॉरी गाइस, 68 मेंबर्स हैं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए हाँ, तो वापस आते हैं। तो प्लीज़ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ NMCG। NMCG का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो सिंपल खबर है कि गवर्नमेंट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, इट इज़ डिस्कसिंग विद NMCG फॉर होल्डिंग और होस्टिंग द हरिद्वार कुंभ मेला। इसके लिए जो बेसिक खर्चा है इनिशियल 85 करोड़, उसके लिए अप्रूवल मांगा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फ्रॉम दी NMCG। ये खबर यहाँ पर आपके सामने आई है। अगर आप नहीं जानते हैं, महाकुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज वंस इन एवरी 12 ईयर्स एंड हरिद्वार में आखिरी बार इसको 2010 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा वो सत्य लिखा है, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सो द महाकुंभ मेला हरिद्वार विल हैपन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2021। द अथॉरिटी फॉर क्लीनिंग गंगा इज NMCG। महाकुंभ मेला आपका हर 10-12 साल पे होता है 2010 में, और जो NMCG है इस ये बनी है आपकी 2011 में, और इसके जो हेड हैं इस समय उनका नाम है राजीव रंजन मिश्रा। आई होप कतरा कतरा आपको क्लियर हो गया होगा। आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिलेबल। आगे बढ़ते हैं। एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जो कि COVID-19 अपडेट्स देगा। दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ दिल्ली। इस पोर्टल का नाम है, फटाफट लिख दीजिएगा, DelhiFightsCorona.in। दिस इज़ अ वेबसाइट एंड ऑल्सो अ पोर्टल जहाँ पर देर विल बी अ लिस्ट जहाँ पर यू कैन नो द लोकेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, कहाँ कहाँ पर राशन फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, कहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पर हंगर रिलीफ सेंटर्स हैं, उन सबको आपका जो COVID-19 का ये एक वेबसाइट है DelhiFightsCorona.in वो उसको अपडेट यहाँ पर देगा। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज, दिल्ली इज़ इन न्यूज़ फॉर मल्टीपल रीजन्स, ऑलराइट, प्लीज़ टेल मी एवरी वन। दो रीजन्स हैं। सबसे पहले, इट इज़ दी असेस करोना ऐप, विच इज़ एन ऐप फॉर बेसिकली असेसिंग द करोना केसेस। सेकेंड, दे हैव लॉन्च द 5T कैंपेन, विच वेयर 5T कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एवरीथिंग। एंड इट वॉज ऑल्सो लॉन्च द शील्ड कैंपेन, जहाँ पर अगेन शील्ड में हर एक लेटर का अपना अलग अलग मतलब है। मैंने कई बार इसको डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। याद रहेगा आपको, एवरीवन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये तीनों की तीनों। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। केरला टू रजिस्टर दोज स्ट्रैंडेड इन अदर स्टेट्स। केरला वो पहला स्टेट बनने वाला है इन द सदर्न रीजन, जहाँ पर जो ऐसे लोग जो स्टेट्स के बाहर फंसे हैं, वेदर दे आर आउटसाइड द कंट्री और विद इन द कंट्री बट नॉट इन केरला, उनके लिए उसने एक बनाया है एक पोर्टल। और उस पोर्टल का दोस्तों जो नाम है, उसका नाम है आपका वन सेकेंड, दैट इज़ दिस, दैट इज़ द रजिस्टर नॉर, दैट इज़ द रजिस्टर norcaroutes.com, जहाँ पर जो नॉरकार है बेसिकली जो नॉरकार है बेसिकली उसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स। ऑलराइट, तो जो डिपार्टमेंट है नॉरका, उसने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाया। इसका वेबसाइट का नाम देखिए दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। ऑलराइट, एंड इसके ज़रिए दे आर ट्राइंग टू आस्क पीपल टू रजिस्टर देमसेल्फ, ताकि वो समझ पाएँ कितने लोग को उन्हें केरला में लाना है। अगर हम कल तक की बात करें तो 276,700 ऐसे लोग हैं हु आर नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट्स ऑफ केरला, जिन्होंने 150 नेशन से यहाँ पर अपने आप रजिस्टर करवाया है। सिंपल हेडलाइन है दोस्तों, आई होप सबको समझ में आ रहा है। पूजा कुमारी जी, महाकुंभ मेला के बारे में पढ़ लीजिएगा, 2019 में भी हुआ है इलाहाबाद में, पर आपका हरिद्वार में 2010 में हुआ है, प्लीज़ कन्फ्यूज मत कीजिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर याद रखिएगा इस वेबसाइट का नाम, एनी केरला में किया है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केरला गाइस, एंड ये रहा आपके सामने केरला के बारे में। द केरला कैपिटल गाइस इज तिरुवनंतपुरम। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हियर गाइस आर 14। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। फेस्टिवल्स की बात करें, ओणम है, विशु है, तिरुवतीरा है, त्रिशूर है, त्रिशूरपुरम है। आर्ट फॉर्म्स में कथकली है, मोहिनीअट्टम है, चकियार कूटू है, ओट्टम थुलाल है। मेजर मार्शल आर्ट्स में आपका कलारीपयट्टू है, जो कि सबसे एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है। GI टैग, जो लोग नहीं जानते हैं, GI टैग इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इट इज़ अ टैग गिवन टू अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर आइटम जो कि जिसको फेमस करना है उस एरिया में, या उस एरिया की सेल्स बढ़ानी है उस आइटम की। मट्टा राइस है, एलेपेकॉइड है। स्टेट सिंबल्स में वी हैव इंडियन एलिफेंट, जो यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड में ग्रेट हॉर्नबिल है। स्टेट फ्लावर में कनीकोना है, जो कि विच इज़ कॉल्ड एज गोल्डन शार ट्री। हिस्टोरिकल साइट में वी हैव बेकाल फोर्ट एंड पलक्कड़ फोर्ट। सिमिलरली एंड में वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ही यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स, रामसर साइट, साइट्स विच आर वेटलैंड्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, उसमें अष्टामुड़ी, सस्तम कोटा और वेम्बनाड कॉल लेक है। नेशनल पार्क्स में इराविकुलम, पेरियार,
साइलेंट वैली, माथिकेतन, अनायमोरी शोला, पंबालूम है। टाइगर रिजर्व्स में वी हैव पेरियार एंड परम्बिकुलम, और बर्ड सेंचुरीज में आपका थट्टेकाड, कडालुंडी, कुमारकोम एंड मंगलवनम है। दोज पीपल हु आर रेगुलर, कल मैंने ये डिस्कस एक बार फिर किया था, तो आज आपको याद रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। एवरीवन, गाइस कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो, वी हैव टू क्रॉस 1000 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आपके हेल्प के बिना हम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केरला चीफ जस्टिस इज इन होम क्वारंटाइन। जो केरला के चीफ जस्टिस हैं उनको घर पे रखा गया है। ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू कोची, तो उनको 14 डेज के लिए विजिट किया गया है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ सवाल बनेगा कि हु इज़ द केरला चीफ जस्टिस, उनका नाम याद कर लीजिएगा। उनका नाम है दोस्तों एस मणिकुमार। ही हैज़ बीन इन होम क्वारंटाइन, सिर्फ यही सवाल बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सवाल बनता है, इफ दिस एनी अदर क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रीसेंट अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिस दीपांकर दत्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड द मुंबई चीफ जस्टिस, विश्वनाथ सुमदार हैज़ बीन अपॉइंटेड द मेघालय चीफ जस्टिस, और मोहम्मद रफ़ी को उड़ीसा का चीफ जस्टिस बनाया गया है। सिमिलरली जो क्वारंटाइन होगा इनके लिए वो 14 डेज का यहाँ पर रखा गया। इतना ही आपको यहाँ पर याद करना है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ स्कीम कॉल्ड एज विद्या देवेना स्कीम, जिसके तहत ऑल द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स विल बी रीइंबर्स देयर फी फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये स्कीम का नाम है विद्या दीवेना स्कीम, जहाँ पर अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स विल बी गिवन देयर फी बैक ऑफ द 2021 एकेडमिक कैलेंडर, और ये फी उनके अकाउंट्स में सीधे ट्रांसफ़र होगी। इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये लगाए हैं, और इससे पहले ऑलरेडी जो पेंडिंग ड्यूज है करीब 1800 करोड़ के, उसको भी ऐड किया है। इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है इन आंध्र प्रदेश, दैट इज़ 1902। तो यहाँ पर सवाल एक ही बनेगा, दैट विद्या दीवेना स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, कौन से राज्य में है। इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आइए ज़रा अब हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं पूछूंगा आपसे, इज़ द स्पीड ऑल राइट, इज़ द वीडियो ऑल राइट, क्या वीडियो सही लग रहा है आपको, क्या वीडियो की स्पीड आपको अच्छी लग रही है। एवरीवन प्लीज़ आंसर गाइस, आई वांट टू नो एवरीवन्स फीडबैक। फटाफट आंसर कीजिएगा, एंड गाइस कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो एवरीवन। गाइस अच्छा लग रहा है दोस्तों, चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, तो अब ज़रा वापस आते हैं, लेट्स कम बैक गाइस। ओके, तो अब आए ज़रा आंध्र प्रदेश पे आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने, आंध्र प्रदेश की बात करें, कैपिटल है अमरावती। डिस्ट्रिक्ट हियर गाइस आर 30। गवर्नर हियर आर बिश्वभूषण हरिचंद्र, यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं आपके वाई जगनमोहन रेड्डी। रीजनल फेस्टिवल यहाँ के हैं उगदी एंड ब्रह्मोत्सवम। आर्ट फॉर्म्स हियर गाइस आर कुचिपुड़ी, बुट्टा बोमालू। टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर कलमकारी काफ़ी फेमस आर्ट फॉर्म है। जी आई टैक्स श्रीकालाहस्ती कलमकारी एंड बोमालू। स्टेट सिम्बल्स, एनिमल में ब्लैक बक, बर्ड में इंडियन रोलर, फ्लावर में लोटस। ब्लैक बक तो सलमान खान का फैन है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। देन हिस्टोरिकल साइट्स की बात करें, वी हैव वेंकटेश्वरा टेम्पल एंड कनीपक्कम टेम्पल। इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स गाइस, वी हैव द कोलेरू लेक, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं। ओके, पदावला अंकित, द यूनियन गवर्नमेंट एंड एज पर द सोर्सेज, अभी एज पर विकीपीडिया, एज पर द ऑफिशियल सोर्सेज, अमरावती इज द कैपिटल। देर आर अदर कैपिटल इज वेल, बट दे आर अंडर सब जुडिस। ऑलराइट, आई नो दोज कैपिटल गाइस, करंट अफेयर इज माई ब्रेड एंड बटर, बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ अमरावती ही याद करोगे। यू विल नॉट डिस्कस विशाखापट्टनम और कुरनूल, विल डिस्कस ओनली अमरावती। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आए। नेशनल पार्क्स में वी हैव श्री वेंकटेश्वरा। देन बर्ड सेंचुरीज में वी हैव पुलिकट, नेलापट्टू, रोलापड़ू एंड कोंडाकरला एंड कोलेरू, ये यहाँ के आपके इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है USCIRF। मैं चाहता हूँ एवरीवन प्लीज़ टाइप इन द फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स। आलस छोड़ो, प्लीज़ रिमूव योर प्रोकास्टिनेशन एंड एवरीवन प्लीज़ राइट डाउन द फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म इज़ US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ऑलराइट, तो इसने इंडिया की जो रैंकिंग है उसे रखा है लोएस्ट रैंकिंग पर इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन। जो धर्मों का एक फ्रीडम है उसको लेकर इन्होंने दोस्तों रखा है लोएस्ट पावदान पे, एंड इट इज़ अलॉन्ग साइड कंट्रीज़ लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। सो इंडिया को उस कैटेगरी में दोस्तों रखा गया है। एंड पिछले साल इंडिया वॉज अ टीयर टू कंट्री, बट दिस ईयर इंडिया इज़ अ टीयर थ्री कंट्री। एंड रीज़न क्या दिए गए हैं, रीज़न दिए गए हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दी CAA, दैट इज़ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड दी जम्मू कश्मीर इशू। ये तीन इशू दिए गए हैं फॉर दिस लोअर रैंकिंग। ऑलराइट, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया, उसने कहा है कि ये गलत है। आफ्टर सजेस्टिंग द रैंकिंग,
USCIRF ने कहा है US गवर्नमेंट को दैट इंडिया शुड बी दैट दे शुड अप्लाई द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट अगेंस्ट इंडिया. इस एक्ट का मेन कंसेप्ट है कि जहाँ जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है उन कंट्रीज़ को बताना, लेट देम नो दैट दे शुड इम्प्रूव देयर रिलीजियस फ्रीडम. उसके लिए द IRF एक्ट को भी अप्लाई करने की बात USCIRF ने दोस्तों कही है. बहुत ही सिंपल हेडलाइन है, समझ में आ गया सबको. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? प्लीज आंसर गाइस एवरीवन, आई वांट टू नो एवरीवन्स फीडबैक. फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं. एक फीडबैक था कई लोगों का कि गंगा का पानी बहुत साफ हो गया है, द गंगा वाटर हैज़ बिकम बेटर. बट एज पर द CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा है दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इट हैज़ गिवन लॉजिक टू इट. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है जिसको बढ़ना चाहिए उसमें मामूली अंतर आया है, मतलब उसमें मामूली कटौती हुई है बेसिकली, सॉरी उसमें मामूली अंतर आया. इट हैज़ रोज मार्जिनली, इसको बढ़ना चाहिए था रैपिडली बट इट हैज़ नॉट गॉट अप रैपिडली. तो ये एक रीज़न है. सेकेंड, BOD दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और CO2 दैट इज़ केमिकल, इनको कम होना था पर इनमें भी बहुत कमी आपकी नहीं हुई है. तो मैं रिपीट फिर से कर दूँ आपके लिए, द DO दैट इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इसको बढ़ना था, BOD दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड CO2 दैट इज़ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कम होना था, दोनों में बहुत चेंज आपका नहीं आया है, इस वजह से जो पानी अभी भी आपका गंदा है. येस, मेरठ में आपको डॉल्फिन शो हुई, मज़ा करिए, इंजॉय कीजिए महेंद्र सिंह सलाल जी, बट एज पर द CPCB दैट इज़ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा. येस, बट द रिवर क्वालिटी ऑफ यमुना दैट हैज़ गॉन अप. यमुना बेटर हुई है पर गंगा आपकी बेटर नहीं हुई है. अगर हम बात करें सबसे अधिक पोल्यूशन इस रिवर में कहाँ पर है, इट इज़ ऑफकोर्स इन माई स्टेट. मेरा स्टेट भैया है, मेरा स्टेट तो रहेगा ही रहेगा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. अगर हम CPCB की बात करें 1974 में आपका बना एंड मिस्टर रविशंकर प्रसाद इज़ द करेंट हेड ऑफ CPCB. रविशंकर प्रसाद इज नॉट द मिनिस्टर, ही इज़ द अदर पर्सन, ही इज़ द हेड ऑफ द CPCB. इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेल डन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. Venezuela has named official who has been indicted by US. US ने आरोप लगाया था that he is into narcotic supply, drugs का धंधा करते हैं, उन पर आरोप लगाया गया था. उनको जो ये भाई साहब हैं the great one, और इनका नाम है of course Nicolas Maduro, the president of Venezuela, जिसको दुनिया के 66 nations president नहीं मानते हैं, उसने दोस्तों इन भाई साहब को, yes this person को, कितना सीधा लग रहा है बेचार, मतलब लग रहा है कि एकदम मतलब बच्चा है. सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ऑयल मिनिस्टर. आइए ज़रा जान लेते हैं इसके बारे में. इनका नाम दोस्तों है टारेक एल आइसामी. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बाय निकोलस मदुरो. इसके अलावा निकोलस मदुरो ने अस्त्रुद्रुबाल शावेस, इनको जो वहाँ की ऑयल फर्म है, ये नाम है, इट इज़ द पेट्रोलियम डिवीजन ऑफ वेनेजुएला, इसका बनाया है इंटरिम चेयरपर्सन. किसको? अस्त्रुद्रुबाल शावेस को. अगर हम वेनेजुएला की बात करें, इट हैज़ दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्स, पर आप प्रॉब्लम ये देखो, बिकॉज ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, बिकॉज ऑफ करप्शन इन वेनेजुएला, इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट स्ट्रगलिंग, दुनिया की सबसे संघर्षरत कंट्री, सबसे स्ट्रगलिंग कंट्री जो है दैट इज़ वेनेजुएला. PDVSA की बात करें, विच इज़ दी ऑयल कंपनी ऑफ वेनेजुएला, इट वॉज सेटअप इन 76 कैराकास में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. वेनेजुएला की बात करें तो कैराकास इसके कैपिटल हैं एंड बोलीवर इज़ दी करेंसी. समझ में यहाँ तक आ गया सबको? प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, वी अंडरस्टूड. आई अगेन रिपीट फॉर एवरीवन, वी हैव अ न्यू ऑयल मिनिस्टर हिज नेम इज टारेक एल एसियामी. ऑलराइट, ओके, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर मैप. लेट्स स्टार्ट द मैप स्टडी गाइस. और यहाँ पर आप इस मैप को दोस्तों जो है वो आप देख सकते हैं, ये मैप आपके सामने दोस्तों दिया हुआ है. सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट कोलंबिया. कोलंबिया की बात करेंगे, येस, तो मेरा सवाल आपसे है, प्लीज़ टेल मी वॉट इज़ द कैपिटल करेंसी ऑफ कोलंबिया. इसका कैपिटल है बोगोटा एंड द करेंसी ऑफ कोलंबिया गाइस, वन सेकेंड. यस, एंड द करेंसी ऑफ कोलंबिया गाइस इज पेसो. फिर बात करेंगे हम ब्राज़ील के बारे में. द करेंसी, द कैपिटल इज ब्रसीलिया. प्लीज़ टेल मी द करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ये आपको बताना है. देन हम बात करेंगे अबाउट ट्रिनिडैड टोबैगो. इट्स अ आइलैंड नेशन गाइस. इसका कैपिटल दोस्तों जो है दैट इज़ पोर्ट ऑफ स्पेन. पोर्ट ऑफ स्पेन इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री गाइस इज़ डॉलर. डॉलर इसकी करेंसी है. देन सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, इट्स अगेन आइलैंड नेशन गाइस ऑफ द करीबियन.
इसका कैपिटल दोस्तों जो है दैट इज़ किंग्सटाउन। किंग्सटाउन इज़ द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड ईस्ट करीबियन डॉलर जो है वो इसकी यहाँ पर करेंसी है। एंड देन गाइस कौन सा बचा है यहाँ पर आपका ग्रेनाडा, कहीं बचा ना ग्रेनाडा। जो ग्रेनाडा दोस्तों है, ग्रेनाडा का जो कैपिटल है दैट इज़ सेंट जॉर्ज, एंड ग्रेनाडा का जो कैपिटल है करेंसी है दैट इज़ अगेन ईस्ट करीबियन डॉलर, उसको भी ये रहा। तो कैपिटल है आपका यस दैट इज़ सेंट जॉर्ज एंड द करेंसी इज़ आपका ईस्ट करीबियन डॉलर। समझ में यहाँ तक आ गया एवरी वन? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चल फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हेडलाइन पर जो कि अब आपके सामने आ जाएगा। इमरान क्रैक्स द विप ऑन मीडिया टीम। इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, इमरान हाशमी की हम बात नहीं कर रहे। इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ फायर्ड हिज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी एंड ही हैज़ अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द CPEC एज द न्यू ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है इमरान खान। पीयूष यादव जी एक बार फिर से देखिएगा आपको याद आ जाएगा। ही हैज़ फायर्ड डॉक्टर फिरदाउस आशिक अवान जो कि स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी जगह जो नए बने हैं स्पोक्स पर्सन उनका नाम है असीम सलीम बाजवा। असीम सलीम बाजवा इज़ अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा वी हैव अ न्यू इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर इन पाकिस्तान, उनका नाम है सेनेटर शिबली फराज। इसको भी आप यहाँ पर चाहें तो याद कर सकते हैं। आई होप गाइस एवरीवन इज़ अंडरस्टैंडिंग सेशन टिल द टी। चल फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। भारतीय नोकिया हैव कम टूगेदर फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 4G एंड 5G फाउंडेशन इन द फ्यूचर। नोकिया विच इज़ बेसिकली अ कंपनी विच इज़ बेसिकली अ टेलीकॉम कंपनी एंड भारती ऑफ कोर्स इज अ टेलीकॉम कंपनी, दे हैव कम टूगेदर फॉर अ $1 billion डील। इस डील के जरिए नोकिया विल प्रोवाइड इट्स SRAN नेटवर्क, विल डिस्कस SRAN नेटवर्क क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ द SRAN नेटवर्क Airtel will improve its 4G connections and it will also lay the foundation stones of the 5G connections in the future. उस वजह से ये आपका एक टाइप हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये SRAN होता है, SRAN का फुल फॉर्म होता है आपका सिंगल RAN और सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इस नेटवर्क से इट अलाउज़ द मोबाइल कंपनीज टू सपोर्ट मल्टीपल मोबाइल कनेक्शंस कम्युनिकेशंस एंड वायरलेस कम्युनिकेशंस ऑन अ सिंगल नेटवर्क। एक ही देखिए हिंदी दिया हुआ है, एक ही नेटवर्क पर कई मोबाइल संचार मानकों को और वायरलेस मानकों को आप फॉलो कर सकते हैं। सो नोकिया एंड भारती हैव कम टुगेदर। अगर हम बात करें तो इसका पर्पस है टू इंक्रीज द 4G कैपेसिटी। सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा, विच कंपनी हैज़ टाइड अप विद भारती एयरटेल फॉर कनेक्टिंग फॉर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। द आंसर इज नोकिया। सेकेंड सवाल बनेगा नोकिया SRAN, वॉट डज SRAN स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म है सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। मैं एक बार पूछना चाहूँगा आपसे, आर यू ऑल इन्जॉइंग द सेशन? द रीज़न वाई बिकॉज जब मैं कराता हूँ पहले करंट अफेयर्स बाकी सोर्सेज का आप लोग बहुत आते हो, पर आज मैं करा रहा हूँ आपको द हिंदू ना, आप लोग की सबकी बैंड बज रही है, एवरी वन इज़ फीलिंग लाइक डिस्ट्रॉट। प्लीज़ अगर इन्जॉय कर रहे हो, एवरी वन इज़ कॉम्प्रीहेंडिंग लिसनिंग, प्लीज़ गाइज इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों जो है वो TVS मोटर की है। TVS मोटर ने रेज किया है 500 करोड़ वाया सिक्योरिटीज़, एंड दी सिक्योरिटीज़ आर रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सबसे पहले समझो प्लेसमेंट होता क्या है। प्लेसमेंट समझना ध्यान से, प्लेसमेंट इज़ अ वर्ड गिवन टू सेलिंग ऑफ शेयर्स। क्या वर्ड होता है प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट बेसिकली मीन्स सेलिंग ऑफ शेयर्स। व्हेन अ पर्टिकुलर कंपनी सेल शेयर दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट। अगर एक कंपनी सबको सेल करेगी कॉल्ड एज पब्लिक प्लेसमेंट, और अगर एक कंपनी किसी एक सेलेक्ट लोग को शेयर करेगी दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। रिपीट फिर से कर दूँगा आपके लिए, व्हेन अ कंपनी सेल्स शेयर्स टू एवरी वन दैट इज अ पब्लिक प्लेसमेंट, एंड व्हेन द कंपनी सेल्स शेयर्स टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वो 500 करोड़ का एक करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसको वो एक सेलेक्ट ग्रुप के लोगों को ही दोस्तों आपका जो है वो निवेश करेगी। एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, बफरिंग अब सही हो गया मेरे भाई? बफरिंग अब नहीं है, आप परेशान ना हो ना, देर इज़ नो बफरिंग गाइज, प्लीज़ रिफ्रेश द वीडियो नाउ, देर इज़ नो बफरिंग। बिना बात का परेशान मत करो, अब देर इज नो बफरिंग। ऑल राइट, प्लीज़ से यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, इसके अलावा TVS आपका न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज TVS रिसेंटली टाइड अप विथ नॉर्टन। नॉर्टन को जो एक ब्रिटिश कंपनी है उसको अक्वायर किया था फॉर $16 million, उसमें उन्होंने दोस्तों इसको अक्वायर दोस्तों किया था। रिपीट फिर से कर दूँ, TVS कंपनी हैज़ रिसेंटली अक्वायर्ड द नॉर्टन कंपनी।
फॉर 16 मिलियन US डॉलर्स। टीवीएस की बात करें 78 में बना है आपका, चेन्नई में हेडक्वार्टर्स है एंड मिस्टर वेनु श्रीनिवासन इज द करेंट हेड ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। आगे बढ़ते हैं, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अवेलेबल रहेगी आपको। आरोग्य सेतु ऐप जो है दोस्तों वो आपका अब फीचर फोन्स में भी आपका अवेलेबल होगी। अगर हम बात करें, इसकी जानकारी दी है बाय रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं। यहाँ पर एक सवाल आपसे दोस्तों है कि कितने लैंग्वेजेस में आपका आरोग्य सेतु, अरे बफरिंग फिर से हो रहा है, क्या बताऊँ मैं, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस। आई होप नाउ द बफरिंग इज फाइन, आई होप नाउ द बफरिंग इज फाइन। ओके आई कम बैक गाइस, आई कम बैक। ओके ओके सो आई कम बैक गाइस, ओके लेट्स कम बैक। ओके सो आरोग्य सेतु कितने लैंग्वेजेस में है आपका? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आपका 11 लैंग्वेजेस में है। किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है NIC ने। और बेसिकली है क्या ये? बेसिकली इट इज़ अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, ये एक तरह की आपकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप के तौर पर सामने आई है, ठीक है। सो बेसिकली ये अब आपका फ्यूचर फोन्स में भी अवेलेबल होने वाला है। वेयर वेंकटेश्वर, नाउ देयर इज नो बफरिंग, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने अक्वायर किया है 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी में 29% स्टेक अक्वायर किया है एक्सिस बैंक ने। एंड गाइज, अब जो करंट शेयरिंग है उनमें 70% ऑफ द कंपनी विल बी ओन्ड बाय मैक्स फाइनेंशियल एंड 30% ऑफ द कंपनी और अराउंड 29% ऑफ द कंपनी विल बी ओन्ड बाय एक्सिस बैंक, ऑल राइट। याद रखिएगा, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैक्स का करंट स्टेक था 72.5%, एक कंपनी थी मित्सो, इसका स्टेक 25.5%, पर अब ये कंपनी आपकी हट गई है। नाउ 70% शेयर्स आर विथ मैक्स फाइनेंशियल एंड 30% शेयर्स आर विथ एक्सिस बैंक। अगर हम मैक्स लाइफ की बात करें, मैक्स लाइफ 2000 में आपका बना, अनिलजीत सिंह इज द MD CEO। सिमिलरली एक्सिस बैंक आपका बना 1993 में, अमिताभ चौधरी इज द करंट हेड एंड मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। रिसेंटली आपका मैक्स लाइफ न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज मैक्स लाइफ टाइड अप विद येस बैंक फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस एंड दे हैव टर्म्ड द 2021 ईयर एज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कस्टमर। उस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में बना हुआ था। समझ में आ गया, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हेडलाइन पर। मैं कैसे बताऊँ आपको, एक वर्ड है कवरऑल। अब कवरऑल क्या होता है? जो आप पूरी बॉडी में पहनते हो, ऑल राइट। एंड अ कवरऑल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट PPE, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा, समझे आप लोग। सो जरा फटाफट बता दो इसका फुल फॉर्म है, एनीवन एनी आइडिया क्या फुल फॉर्म है PPE का? द रीज़न वाई PPE की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली सेड दैट दे विल मेक 1 lakh यूनिट्स ऑफ कवरऑल्स एवरी डे विच इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ PPE। नाउ गाइज, वॉट इज़ PPE? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो उसके जो कवरऑल्स होते हैं पूरी बॉडी में जो आप पहनते हो, उसको करीब वो 1 lakh बनाएगा। और ये 1 lakh आपका बनाएगा, और इसमें जो मेन सिटी रोल प्ले करेगी, दैट सिटी का इज कॉल्ड एज बेंगलुरु। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा आपका होगा, ऑल राइट। इसके लिए देर आर 4 लेबोरेटरीज विच हैव बीन मेड, उनके नाम है साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, देन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्वालियर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री एट अवाड़ी एंड स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री इन कानपुर। इन 4 लेबोरेटरीज को दोस्तों ये काम दिया गया। रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूँ, PPE ओवरऑल्स कवरऑल्स आपके बनेंगे 1 lakh पर डे आपके बनाने की बात की गई है। बेंगलुरु हैज़ बीन मेड द हब ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर और 4 लैब्स हैव बीन सेटअप फॉर द PPE। उनके नाम दिए हुए हैं साउथ इंडिया टेक्सटाइल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ग्वालियर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी और स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर। ये 4 नाम यहाँ पर दोस्तों जो हैं वो दिए गए हैं। समझ में आ गया सबको, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अरुण कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द USA मेंस टीम। अरुण कुमार और जे अरुण कुमार वॉज द फॉर्मर हेड कोच ऑफ ही वॉज द फॉर्मर कैप्टन एंड कोच ऑफ कर्नाटका एंड नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द USA क्रिकेट टीम। सिंपल खबर है, इसमें कुछ और आपको पढ़ना नहीं है, पेज 16 पर यह दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ द ऑथराइजिंग बॉडी इन द मीन टाइम फॉर बॉक्सिंग द कंट्री, उसको इवेंट होस्ट करना था 2021 का वर्ल्ड चैंपियनशिप का, बट ड्यू टू नॉट पेइंग द होस्टिंग फी, एक फ़ी आपकी होती है होस्ट करने की,
एक इवेंट को, उसको पे ना करने की वजह से BFI गाइज हैज लॉस्ट द राइट ऑफ होस्टिंग द 2021 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप. अब आपकी चैंपियनशिप जो होगी दैट विल बी इन सर्बिया. ये इंडिया का हुआ है, इंडिया में ऐसा हुआ है कि जो अब बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपकी होगी दैट विल बी हेल्ड गाइज इन सर्बिया. अब आपकी इंडिया में ये आपकी नहीं होगी. जो बॉडी है, जो वर्ल्ड बॉडी फॉर एमेचर बॉक्सिंग, उसका नाम है आइबा. आइबा वॉज फॉर्म इन 1946 लुआसान में आपका बना, और इसके प्रेसिडेंट हैं आपके गफू रखीमो. ये नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. और राइट, रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूं मैं कि BFI अब आपका इवेंट होस्ट नहीं करेगा. BFI बेसिकली स्टैंड्स फॉर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. अब आपका इवेंट ये सर्बिया होस्ट करने वाला है. समझ में आ गया सबको? फटाफट आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे आज के द कर्ड इवेंट एनालिसिस में फ्रॉम द 29 अप्रैल. गाइज आप कह सकते हो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव शो ऑफ यूट्यूब इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स. इससे ज़्यादा डाटा इन टर्म्स ऑफ MCQs, इन सब करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलता है. सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा टारगेट है 2000 व्यूअर्स, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग. ऑलराइट, ओके, चलिए आते हैं हमारी आज की पहली हेडलाइन पर. देख सकते हैं क्या से क्या हो गया. अब ऐसा करना पड़ेगा हमें बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर गाइस. CSIR हैज बिगन द ट्रायल ऑफ अ एंटीलेप्सी ड्रग, जिसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम MW. दिस ड्रग इज़ नाउ बींग यूज फॉर टेस्टिंग दी COVID-19 केसेज. इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूजिंग phytopharmaceuticals विच आर बेसिकली herbal medicines. तो एक तरफ दे आर यूजिंग माइकोबैक्टीरियम MW, ये वो बैक्टीरिया है जिससे कि हम leprosy में यूज़ करते हैं. सेकेंड phytopharmaceuticals विच इज़ यूज फॉर herbal medicines, इसको भी दोस्तों यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. रिपीट फिर से कर दूँ, द काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने दोस्तों लॉन्च किया है दो टेस्टिंग फॉर COVID-19. वन माइकोबैक्टीरियम, दैट इज एंटीलेप्सी ड्रग, एंड सेकेंड phytopharmaceuticals जो कि एक हर्बल मेडिसिन. इन दोनों को CSIR ने टेस्टिंग में लगाया है. दिस हेडलाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. इनके नाम आप चाहें तो याद कर सकते हैं. फिर गाइज बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की. जो लोग नहीं जानते हैं, IFSC बेसिकली इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वेयर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल बोरोइंग कैन हैपन. ये एक जगह है आपकी विच इज़ इन द गिफ्ट सिटी इन गुजरात, जो कि गांधीनगर अहमदाबाद के पास है. उस जगह पर ये सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर पीपल कैन इन्वेस्ट. अभी तक देर वॉज नो माई बाप, देर वॉज नो रेगुलेटर ऑफ दीज सेंटर्स. नाउ इंडिया हैज़ नोटिफाइड अथॉरिटी ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, और इसके हेडक्वार्टर्स होंगे इन गांधीनगर गुजरात. दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी गाइज विल कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स, और इन्हें 3 साल के लिए दोस्तों अपॉइंट किया जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर कमिटी एक चेयरपर्सन होगा, देन वी विल हैव 2 मेंबर्स. वन विल बी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वन मेंबर ईच विल बी फ्रॉम RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA. RBI रेगुलेटर है बैंकिंग का, SEBI कैपिटल मार्केट का, IRDAI इंश्योरेंस का, और PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये रेगुलेटर है आपका पेंशन फंड्स का. तो इनसे एक एक मेंबर होगा और 2 मेंबर्स अलग से अपॉइंट किए जाएंगे. सो ओवरऑल दे विल बी 9 मेंबर्स इन दिस अथॉरिटी. अगर हम बात करें IFSC का, बेसिकली दीज आर सेंटर्स. इंडिया में अभी सिर्फ एक ही सेंटर है जो कि गुजरात में है. दीज सेंटर्स का मेन कंसेप्ट है टू रेज फंडिंग थ्रू कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड वाइड लेवल पर फंडिंग को बढ़ाना. ये यहाँ पर इसका कंसेप्ट दिया गया है. समझ में आ गया सबको? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर. ये न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पर एक सेंटर्स का नाम है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंज ऑफ BSE. ये सेंटर यहाँ पर बना है जिसमें SBI ने ग्रीन बॉन्ड्स को इन्वेस्ट किया था. उसको भी आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. टुडे और ऑन 28th of April, yesterday guys, the world observed the World Day for Safety and Health at Work. इस डे का थीम था स्टॉप द पैंडेमिक. ये डे आपको ऑब्जर्व हुआ. अरे मेरे भाई कल्पना जी, ये पानी है एंड दिस इज चुल्लू. ऑलराइट, RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग. अरे भाई मम्मी बचाओ. ओके, सो द थीम ऑफ दिस डे गाइस इज स्टॉप द पैंडेमिक. दिस डे इज ऑब्जर्व बाय ILO. ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन. 2003 में आपका बना. अच्छा,
28 अप्रैल को आपका एक और डे मनाया जाता है, उस डे का नाम है इंटरनेशनल कमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। ये डे भी आपका 28 अप्रैल को ही मनाया जाता है। सो देर आर टू डेज गाइज विच आर ऑब्जर्व अंडर दी ऑब्जर्व ऑन 28 अप्रैल, इसको प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा ना भाई, प्लीज़ याद, मतलब आई एम नाउ डाउटफुल, ऐसे सवाल पूछोगे ना आप लोग मेरे को, मतलब आई विल बी कन्फ्यूज्ड कि मैं इस लेवल का पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, आई विल रियली कन्फ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार सच बताना एवरी वन, प्लीज़ टेल मी वेरी ऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ACs रियली बैडली? हाउ मच डू यू वॉन्ट इन द समर्स? एवरी वन, ऑल राइट। एंड देर वॉज अ रूमर दैट कोरोना जो है ना, इट विल कम फ्रॉम द ACs। इफ यू ओपन द AC, द कोरोना वायरस विल एंटर इन टू योर हाउस एंड एवरी वन विल बी डूम्ड। ऐसा नहीं है, ऑल राइट। द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसकी एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स, जो ISHRAE है। ये जो आपकी एक कमिटी सोसाइटी है विच इज़ अंडर दी CBWD, ये कमिटी ने इशू गाइडलाइंस किया है फॉर एयर कंडीशनर्स। गाइज प्लीज डू नॉट लाफ, कल्पना आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऑफेंड हुए हो, बट प्लीज डू नॉट लाफ गाइज, इट्स जस्ट इन द लाइटर वे। ऑल राइट कल्पना, वी डोंट वांट इज लाफिंग, आप फोकस करो। ऑल राइट, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप कल्पना, एवरी वन। ऑल राइट, ओके। सो गाइज, गाइडलाइंस दी गई हैं बाय द CBWD। इन गाइडलाइंस में कहा गया है द आइडियल टेम्परेचर गाइज इज 24-30 डिग्री सेल्सियस, ये आइडियल टेम्परेचर है। जो नमी रखी जाएगी ऑन योर ACs दैट विल बी 40% to 70%। द एग्जॉस्ट एयर गाइज जो कि रखा जाएगा दैट विल बी 70-80% शुड बी फ्रेश एयर। तो ये तीन गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, इनको प्लीज़ मगअप गाइज, इनको शेयर किया है बाय ISHRAE, इन्होंने दोस्तों इसको हाल ही में शेयर किया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज एवरीवन प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर कल्पना, एवरीवन, बिकॉज कल्पना को बुरा लगा है एंड वी आर टुगेदर इन दिस। प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू कल्पना। कल्पना डोंट वरी गाइज, बाकी सब बेकार है, मैं आपका सच्चा फ्रेंड हूँ। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइज ये एक मैप है, मेरे को बताओ, एवरीवन प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस मैप। इस मैप में ऐसा क्या ख़राब है जो कि आपको दिख रहा है? इसमें ख़राब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ घटिया मैप, दिस इज़ अ पथेटिक मैप। दिस मैप हैज़ बीन रिलीज्ड बाय अ बॉडी विच हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ चाइनीज इंटरफेरेंस एंड दैट बॉडी गाइज इज़ WHO। WHO ने इस मैप को लॉन्च किया है। इस मैप में आप देख सकते हो कि द अक्साई चिन रीजन is a part of China, the a part of Arunachal region is again a part of China. So guys, this is a map that has been launched by WHO. WHO ne aisa map launch kiya, pata hai aapko, is wajah se aapka ye jo hai aapka ye news mein hai. So WHO has launched a map in which a certain region of India is shown in China, that is the Aksai region, and a certain region of Arunachal Pradesh also is shown in the region of China. तो ये एक मैप लॉन्च किया है आपका WHO ने। इसके अलावा दोस्तों WHO ने एक और चीज़ लॉन्च की है। WHO has also launched a COVID-19 tools accelerator, इसको भी उसने लॉन्च किया है। एंड दिस एक्सेलरेटर गाइज इज बेसिकली अ कैंपेन सो दैट एवरी कंट्री कैन बेसिकली स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सेस ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। उसके लिए COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है WHO ने, इस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। APEC, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसने कहा है कि ड्यू टू COVID-19 जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें 2.7% का गिरावट आएगा। उसने साफ तौर पर कहा है कि स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन देर विल बी अ गिरावट ऑफ 2.7% इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और अगर हम APEC की बात करें, APEC बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 21 countries, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एंड क्वींसटाउन में इसके आपका क्वींसटाउन सिंगापुर में इसके आपके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड डॉक्टर रिबेका फातिमा सेंटा मारिया इज़ द करेंट ED ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपीट फिर से आपसे मैं कर दूं कि APEC जो है उसने कहा है कि 2.7% गिरेगा। गणेश अलग से वीडियो बनाऊंगा डॉकलाम का, अभी मत पूछो, अभी अलग चीज़ है, पर यहाँ पर याद रखिए सवाल एक ही बनेगा दैट APEC हैज़ रिलीज्ड हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन। प्लीज़ आंसर फटाफट लिखिएगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज 2.3%, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज। गाइज कीप ऑन शेयरिंग, वी हैव टू क्रॉस 500 everyone, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को कौन बताएगा इनका नाम क्या? गाइज इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। She is among the world's top 20 inspirational leaders in biopharma.
अ लिस्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय टेक्सेयर पब्लिशिंग. दिस लिस्ट का नाम है द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट ऑफ 2020. दिस लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. तीन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी है, अरे यार कृष्णा आई एम डिस्कसिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी में भी डिस्कस कर रहा हूँ इंग्लिश में, यार बच्चे की जान लोगे क्या. पहली कैटेगरी है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सेकेंड है एडवांस्ड मेडिसिन, थर्ड है आपका बायोफार्मास्यूटिकल्स. आई हैव डिस्कस इन बोथ लैंग्वेजेस. ऑल राइट तुषार, लिखा हुआ है वहाँ पर. बायोफार्मा में ही हैज़ बीन मैंशन, उनको मैंशन किया गया है. अगर हम टेक्सेयर की बात करें तो स्टेफनी सुटोन इज द करेंट हेड ऑफ टेक्सेयर पब्लिशिंग, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके लंदन में. सिमिलरली मिस किरण मजुमदार शॉ, शी इज़ द MD ऑफ बायकॉन लिमिटेड, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ बायकॉन लिमिटेड, जिसके MD हैं सिद्धार्थ मित्तल एंड हेडक्वार्टर्स आर इन बेंगलुरु कर्नाटका. ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. शी इज़ वन ऑफ द टॉप 20 वुमन इन द बायोफार्मा कैटेगरी ऑफ द मेडिसिन मेकअप पावर लिस्ट ऑफ 2020. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारी अगली खबर पे. शिवदास मीना, शिवदास मीना जो हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ हटको. हटको का फुल फॉर्म है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. उसके नए MD CEO बनाए गए हैं आपके शिवदास मीना. एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गाइस वाज सेट अप इन न्यू दिल्ली 1970 में ये आपकी बनी. और इसके अब जो नए आपके हेड हैं उनका नाम शिवदास मीना है. शिवदास मीना बिफोर दिस गाइस वॉज दी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ये इससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अभी भी हैं, और अब इनको हटको का चेयरमैन बनाया गया है. नो दिस इज़ नॉट ओके, दिस सेशन इज नॉट अ पेड कोर्स, ये नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं गाइस. माइकल रॉबिन्सन जो हैं, ही इज़ अ लिवरपूल स्ट्राइकर गाइस, एंड इनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 61. एंड ही वन द लीग कप, द यूरोपियन कप विद लिवरपूल इन 83-84. And he has, guys, पास का नाम है माइकल रॉबिन्सन. ऑल राइट, और आते हैं हमारी अगली खबर पे. गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव. उस इनिशिएटिव का नाम है अंबारे आंगनवाड़ी. एक सिंपल लॉजिक है, आंगनवाड़ी बेसिकली आर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स. ऐसी जगह है जहाँ पर बाल शिशु सुरक्षा होती है, जहाँ पर पढ़ाई से लेकर बेसिक लेवल पर हेल्थ से लेकर सब कुछ होता है. बट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ COVID-19 आंगनवाड़ीज आपकी नहीं बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है अब गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च किया है उम्बारे आंगनवाड़ी. इसका मतलब क्या होगा? डोर स्टेप आंगनवाड़ी. जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो डोर स्टेप मतलब घर घर जाएंगी और बच्चों को हेल्प करेंगी पढ़ाने में, हेल्थ केयर में. इसके लिए गुजरात ने ये पहल लॉन्च की है. अ फूड पैकेट ऑल्सो हैज़ बीन लॉन्च. उस फूड पैकेट को डिलीवर करेगा आपका अमूल, उसको भी ये लोग डिलीवर करेंगे. एंड एक TV प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है फॉर आंगनवाड़ी, दैट इज कॉल्ड एज उम्बारे आंगनवाड़ी, विच विल बी रन ऑन द वंदे गुजरात चैनल. वो आपका है इजहार अंसारी. ये सेशन आपका होता है एवरी डे एट 8 AM. और राइट, आते हैं अगली खबर पर. वोडाफोन आइडिया जो है दोस्तों, इन्होंने पार्टनरशिप की है विद Paytm. वोडाफोन आइडिया एक ही कंपनी है, पता होगा आपको. दे हैव टाइड अप विद Paytm एंड दे हैव लॉन्च्ड रिचार्ज साथी. मतलब जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो स्मॉल आपके जैसे फॉर एग्जांपल ये शॉप है, जो ये शॉप वाले हैं, अगर ये शॉप वाले Paytm से रिचार्ज करवाएंगे ना, इनका मैडम का मतलब मैडम का सर का किसी का रिचार्ज कराएंगे, तो वहाँ पर उन्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा. मैं रिपीट फिर से कर दूँ, Paytm वोडाफोन आइडिया हैव कम टुगेदर एंड दे हैव लॉन्च रिचार्ज साथी कैंपेन. इस कैंपेन का मेन कंसेप्ट ये है कि Paytm विल अगर Paytm पे ये रिचार्ज करवाएंगे ऑफ पीपल, देन दे विल गेट अवार्ड एंड द अर्निंग कैन बी अप टू ₹5,000. ऑल राइट, 5,000 तक की आपकी अर्निंग होगी. अगर हम यहाँ पर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया आपका जो मर्ज हुआ है, इट हैज़ मर्ज इन 2018. एंड रविंदर टक्कर जो हैं वो इसके दोस्तों करंट इसके MD CEO हैं. इसके चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला. सिमिलरली अगर हम बात करें Paytm की, विजय शेखर शर्मा इज़ द करंट चेयरपर्सन. 2010 में आपका बना Paytm और हेडक्वार्टर्स आपके Paytm के जो हैं दैट इज़ नोएडा. वोडाफोन आइडिया के आपके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके मुंबई में बने हुए हैं. गाइज, अगर आप चाहते हैं तो आप ग्रीन कार्ड परचेज कर सकते हैं फॉर टेस्ट सीरीज. ये एक व्हाट्सएप सॉल्यूशन है और मेरा SBI क्लर्क का बैच ऑलरेडी चल रहा है. सिमिलरली हमारे RRB बायलिंगुअल का बैच चल रहा है और SSC के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं.